स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हो विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉप शॉर्ट क्वेश्चंस आर विया यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का। ठीक है, क्लास टेंथ का सोशल साइंस आप लोग का एग्ज़ाम आ चुकी है बहुत नज़दीक, और जिसको एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग बहुत उत्सुक होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, चले तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम आपको फुल 100% गारंटी देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड में सीधे सीधे डायरेक्ट लड़ जाएंगे। ठीक है, हमने और भी सोशल साइंस के बहुत सारे लेक्चर्स करवाया है इंग्लिश मीडियम के यूपी बोर्ड में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड की इंग्लिश मीडियम में, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हमारी पूरी फ्री वीडियोज़ आप लोग के लिए एकदम अवेलेबल रहती है। ठीक है, और उसके बाद इसका नोट्स आप लोग कहाँ ले लेना सर, इसका नोट्स, तो नोट्स आप लोग ऐप पर ले लेना। ठीक है, और हालांकि आप लोग जान चुके हैं कि नोट्स कहाँ मिलते हैं, तो आप लोग अगर इसको स्किप करना चाहते हैं तो फिर स्किप कर दें, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका सेक्शन जो है नोट्स का कहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए हैं ऐप की स्क्रीन पर, और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं विलो एजुकेशन आपका यहाँ पर होम पेज खुल गया है। तो सबसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखी हुई है। ठीक है, सारी चीज़ आप लोग को पढ़ लेना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है बिहार बोर्ड, और नीचे में उसका जस्ट है यूपी बोर्ड। ठीक है, इसके नीचे जस्ट है यूपी बोर्ड। अब जो जो मैंने पढ़ाया है, चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। वहाँ पर आपको सिंपल से बिहार बोर्ड की एक सेक्शन आएगी, बस उसमें आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो नोट्स लिखाएगा, नोट्स इन नॉट फाउंड फाउंड इन ओनली ऐप, तो ऐसा कुछ लिखाएगा। तो इसलिए आपको ऐप के डाउनलोड करने की ज़रूरत है अगर नोट्स लेना है तो। मैं सिंपली आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चल बिहार बोर्ड को यहाँ पर आप लोग को देख रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में। चलिए इसको बिहार बोर्ड वाला एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस क्लिक बटन को क्लिक करके बाद आप लोग बिहार बोर्ड वाले पेज पे खुल के आ जाओगे। उसके बाद आप लोग को जस्ट स्क्रॉल करना है। अगर आप लोग को क्लासेस लेना तो प्लीज़ इस बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर, और नीचे दिया हुआ है नोट्स, और नोट्स अगर लेना है आपको तो क्लिक हेयर नीचे करेंगे। ठीक है, जस्ट अगर हम लोग यहाँ पर मान लो क्लिक हेयर करते हैं नोट्स के लिए, तो बस एक पेज खुल जाती है नोट्स की। ठीक है, पेज खुल जाती है नोट्स की। तो हालांकि पहले वाली जो प्रोसेस थी वो शॉर्ट थी, इस बार लॉन्ग हो गई है कुछ कारण के वजह से, क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड को भी स्टार्ट करवा दिया है, जिसके कारण से मुझे पेज को अलग अलग बनाना पड़ा ऐप में। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर जस्ट नीचे एग्जाम इस पर यहाँ पर सारे नोट्स आ गए, अवेलेबल हो जाएंगे आपको। ठीक है, एक बार डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ एक बार इसको। यस, है ना, मान लो यहाँ पर मैंने डाउनलोड का बटन क्लिक किया और मुझे यहाँ पर लोडिंग लेके बटन सिंपली दिखा रहा है। ठीक है, बटन सिंपली दिखा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर आपके नोट्स खुल जाएंगे। सिंपली आप लोग देख सकते हैं सारे नोट्स जो मैंने करवाए होंगे वो सारे नोट्स खुल जाएंगे। आपको बस जस्ट बैक जाना है। ठीक है, जस्ट क्या करना है, बैक जाना है। तो बैक आते आते आपको ऐड दिखेगा, तो ऐड का नो थैंक्स करेंगे। ठीक है, सिंपली उसके बाद आपको जस्ट फिर बैक आना है। आपको सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक करके चल जाना है। ठीक है, इस वाले बटन पर क्लिक करके चल जाना है। ठीक, तो इस होम बटन पर आपको क्लिक करके आप लोग होम बटन में डायरेक्ट आ जाओगे। ठीक है, चलो तो यूपी बोर्ड वाला भी दिखा देता हूँ कि यूपी बोर्ड वाले की नोट्स अवेलेबल करा दी गई है। यहाँ पर क्लास 10 इंग्लिश मीडियम क्लिक हेयर करेंगे तो क्लिक हेयर आ जाएगी। ठीक है, चले क्लिक हेयर करने के बाद वही प्रोसेस रहेगी, क्लासेज एंड नोट्स। क्लासेस का बटन कहाँ है सर, तो क्लासेस का बटन नीचे होगी, देखिए यहाँ पर है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लासेस का अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आप लोग को नोट्स क्लिक करते हैं, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चले तो ये थी हमारी प्रोसेस। और अच्छा, इसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स की सेक्शन ओपन हो जाएगी। सिंपली नो थैंक्स करेंगे, नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे, सॉरी एड यहाँ खुल जाएगी। अगर आप लोग इस पर क्लिक करते तो नो थैंक्स आप लोग को करना है। ठीक है, टेन में जस्ट जाना है आप लोग को। ठीक है, यूपी 10 नोट्स में आ गए, तो सबसे पहले एग्जाम स्पेशल नोट्स ही अभी लोग का चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को सारे दी जाएंगे। टॉप 50 एमसीक्यू नोट्स अभी दे दी जाएगी, और नई लिंक एक्टिविटी आप लोग को करा दी जाएगी। ठीक है, और जो भी आप लोग इस क्लास को देख रहे होंगे उसके भी नोट्स आपको यहीं सेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, चले तो अब हम लोग बिना देरी के लिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब हमने दिखा दिया कि आपको नोट्स कहाँ मिलने वाले हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन की स्क्रीन को बढ़ने से पहले आज की ऑब्जेक्टिव को जान लेते हैं। टुडेज ऑब्जेक्टिव, टुडेज गोल बोल लेते हैं, टुडेज गोल, ठीक है। तो आज का गोल है सर टॉप, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, टॉप शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम लोग यूपी बोर्ड का टॉप क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होती है एसएसटी में, उसका हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आप लोग, टाइम हमारे पास बहुत कम है जिसके कारण से हम लोग को थोड़ी जल्दी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए, तो आप लोग को जैसा कि मैंने दिखाया बिहार बोर्ड का जो सा यूपी बोर्ड वाला नोट्स आपने देखा कि कहाँ से आप लोग ले सकते, तो उसके ऊपर में जस्ट बिहार बोर्ड था, तो उस पर सिलेक्ट करके नोट्स है, आप टोटल सोशल साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन भी देख सकते हैं वहीं से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अधिकतर बिहार बोर्ड से ही लिए जाते हैं, यूपी बोर्ड में एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए मैं आपकी बिना कुछ टाइम गवाए आपका, है ना, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कुछ इस तरीके से, व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने स्टार्ट क्यों किया था, इसके तीन रीजंस थे। सबसे पहला, गांधी जी लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में क्या होता था सर, खिलाफत इशू जो हुआ था हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर ब्रिटिश के दबाव पर, उसमें खिलाफत मूवमेंट को लिया गया, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन, उनके सहयोग से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कराया गया। रॉलेट एक्ट एंड जलियन वाला बाग इंसिडेंट वेयर आल्सो एक्टिव बिहाइंड इट। और उसके पीछे जो रॉलेट एक्ट हुआ था हमारा, उसके जलियन वाला बाग भी मैसेकेयर हुआ था जो बहुत ही डेंजरस था, जिसको दिल दहलाने वाली घटना भी कह सकते हैं, जिसके कारण से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करवाना पड़ा। उसके बाद गांधी जी मर्ज्ड द खिलाफत मूवमेंट विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड ब्रॉट ऑल द मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। तो पूरी खिलाफत मूवमेंट जब गांधी जी के साथ मर्ज्ड हो गई, तो मुस्लिम्स और हिंदूज ने एक यूनिटी बना लिया और एक कंट्री में रहने लगे अच्छे तरीके से, और एक रिवॉल्यूशन को खड़ा किया जिसका नाम दिया द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर लिख दोगे एकदम बहुत तरीके से अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी विथड्रॉ द सिविल राइट्स मूवमेंट। देखो सिविल राइट्स बोलो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बोलो, सब एक ही है। जब इंडियंस लीडर ने जेल जाने लगे थे, तो जब कुछ एंग्री डेमोन्स्ट्रेटेड क्राउड थे जो स्ट्रीट्स ऑफ पेकावत एंड फेस द फायरिंग ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स एंड पुलिस, मैनी पीपल वेयर किल्ड। जब हमारी लीडर्स, इंडियन लीडर्स जो थी गांधी जी के सहयोग में, वो हमारी कहाँ जाने लगी, प्रिजनर में, प्रिजनर बोले तो जेल, कहाँ जेल, ठीक है, जेल, ठीक है। तो कुछ गुस्सेदार हमारे भारतीय लोग ने क्या किया, चौरी चौरा कांड कर दिया। चौरी चौरा में क्या हुआ था इसको समझ लो, चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट, वहाँ पर 22 पुलिसकर्मी को मार दिया गया था, 22 पुलिस कर्मचारी बोले तो 22 पुलिस आदमी को मार दिया गया था इंडियन के द्वारा, ठीक है। और क्यों मार दिया था, ब्रिटिश पुलिस थे ये, कौन पुलिस थे, ब्रिटिश, तो इसलिए इनको मारना ज़रूरी था। तो चौरी चौरा में ये कांड हो गया था, जिससे हम लोग को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, गांधी जी हिमसेल्फ वाज इन ट्रबल, इंडस्ट्रियल वर्कर्स अटैक द पुलिस पोस्ट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर है ना हमला कर दिया गया था, ठीक है। गांधी जी वॉज नॉन वायलेंट, सो डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज विदड्रॉन। तो गांधी जी जो थे वो वायलेंट नहीं थे, लेकिन इस जिसके वजह से डिसओबीडियंस मूवमेंट को विथड्रॉ करना पड़ा, यानी कि पीछे लेना पड़ा। ये भी आप लोग आराम से लिख देना बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का क्या नीड है, क्यों ज़रूरत है हमारी रिसोर्स प्लानिंग की। देखो, नीड फॉर कोस्टल रिसोर्स प्लानिंग इज़ एज फॉलोज। तो कोस्टल रिसोर्स प्लानिंग की भी बहुत सारी ज़रूरत होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द कोस्टल रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड होते हैं सप्लाई में, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द कोस्टल रिसोर्सेज इन अनइक्वल
इन द डिथ बट एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली ये आपका दो नंबर में पूछेगा, तो आपको 4 से 5 लाइन लिखना है कॉपी में, और कॉपी आपका थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा सा आप लोग बड़ा करके लिखना एकदम अच्छे से सजा सजा के, और है ना बिग बिग में लिखना। मान लो इतना गैप छोड़े हैं ना हम यहाँ इतना सा, तो इसको इतना सा मत लिखना, यहाँ पर लिखना 2। मैं बता देता हूँ कैसे लिखना, 2 यहाँ पर लिखना, ठीक है। उसके बाद मान लो ये इतना बड़ा कॉपी है, अच्छा चलो मैं है ना ये मान लो इतना बड़ा कॉपी है, ठीक है 2 ये है, 2 यहाँ लिखना, फिर इन्वायरमेंटल यहाँ लिखना, ठीक है, जिससे आप लोग का भरा भरा कॉपी लगेगा, ठीक है, कॉपी जो है भरा भरा लगेगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग को समझ में आती है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको ज़रा सा बड़ा बड़ा करके लिखना है 4 से 5 लाइन, ठीक है 4 से 5 लाइन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन ग्लोबलाइजेशन। तो कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोग को मल्टीनेशनल कंपनीज का ग्लोबलाइजेशन में दिखाना है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा प्रोसेस है वर्ल्ड वाइड का, जिसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइंटिफिक, कल्चरल लाइफ, विच इज़ अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फिजिकली एंड साइकोलॉजी इंटीग्रेट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सारी चीज़ें एकत्र हो जाती है, डिफरेंट पार्ट्स से भी होती है यहाँ पर, ठीक है। मल्टी कंपनीज़ जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्रदान करते हैं ग्लोबलाइजेशन का। मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं कंट्रीब्यूशन टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हमारी कोको कोला हो गई, पेप्सी हो गई, जो आज है ना एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन चुकी है, ठीक है। चलिए थ्रू दीज कंपनीज पीपल हैव गॉट न्यू अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लिवलीहुड। तो उन इस अपॉर्चुनिटी से हम लोग अपना ज़िंदगी जो है लिवलीहुड वो और भी आसान कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से लिख देना। अब आते हैं एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। इफेक्ट्स क्या थी ग्लोबलाइजेशन की, उसको पढ़ना है एक बार। ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ वाइड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इन इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इंडिया में। इस अनाउंसमेंट के बाद इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991 की बहुत सिग्निफिकेंट हो गई थी, और जिसके कारण से हमारा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड जो थी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई थी। इसी कटिंग डाउन ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ एक्सेलरेटेड इन द कंट्री। इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन द सर्विस सेक्टर हैज़ एक्सपेंडेड एट अ रैपिड पेस इन द कंट्री ड्यू टू विच मैनी न्यू एरियाज ऑफ लिवलीहुड हैव ओपेंड अप। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडिया में ही देख लेते हैं तो ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करती है, ठीक है। हम लोग को इंडिया में पहले ऑटो रिक्शा मिलती थी, जिसके कारण से रिक्शा पुलर जिसको बोलते हैं, उसको बदल के ई रिक्शा कर दिया गया, जो आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से पहले भी कुछ चेंजेस हुई थी जिसको ग्लोबलाइजेशन नाम दे दिया गया, ठीक है। यहाँ तक बात होगी क्लियर आप लोग को, चलते हैं आगे। इसी का है थोड़ा सा आंसर। अपार्ट फ्रॉम द सर्विस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इंडिया जो है मोस्ट लीडिंग कंट्री हो गई है ना इन द फील्ड्स ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रेड एक्सेट्रा। टुडे इंडियन कंपनीज आर एबल टू मेंटेन देयर डोमिनेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो इंडियन कंपनीज जो है बहुत बड़े बड़े कंपनीज में भी जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मार्केट किसको कहते हैं। तो वर्ल्ड मार्केट हम लोग ऐसा मार्केट को कहते हैं जहाँ पर जो गुड्स होते हैं वो दूसरे कंट्रीज से आते हैं और कॉमन पीपल से बाय कर सकते हैं। जैसे मुंबई में फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया, इसको हम लोग वर्ल्ड मार्केट भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है। When the production of goods started through machines in place of cottage and cottage industry, it was given the name of industrial revolution, ठीक है। यहाँ place of domestic and cottage, domestic यहाँ पर लिख दो, ठीक है, domestic लिख देना, ठीक है। चलिए डोमेस्टिक एंड कॉटेज इंडस्ट्री, इट वॉज गिवन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब हो रहा है कि WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको विश्व व्यापार संगठन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये कब और कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था। देखो WTO ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि हम लोग
कंट्री को एकत्र बना कर रखे, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में गाड़ी बट में, ठीक है, एज इट्स फाउंडिंग मेंबर। इट्स हेडक्वार्टर इज जिनेवा, जिनेवा में फाउंड हुआ था। और ये डिटरमिनेंस करता है द रूल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड गेट्स द रूल्स फॉलोड। ओके, चलिए, WTO ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी विश्व को एकदम अच्छे से संगठन में मदद करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिफाइन लिबरलाइजेशन। आप लोगों को नोट्स एकदम ले लेना है मेरी ऐप से, ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लिबरलाइजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑल नेसेसरी अननेसेसरी, देखो अननेसेसरी जो कंट्रोल होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जो इम्पोज होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हटा दिया जाता है ना, तो उसको लिबरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अंडर द इकोनॉमिक कंडीशन सिंस 1991 द इंडियन गवर्नमेंट द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 1991 में ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में मदद करती है डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो दैट देयर कैन ऑल्सो बी अ फंड ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अंडर ग्लोबलाइजेशन कैपिटल, गुड्स एंड टेक्नोलॉजी फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन अ स्मूथ मैनर। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज हर दुनिया में, मतलब दुनिया के हर देश में वो अपना प्रोडक्ट पहुँचाने का कोशिश करते हैं, जिसको ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस का नाम दिया गया है, ठीक है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, व्हाट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। देखो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का और ईजी अगर डिफिनेशन आपको मिल जाए तो वो भी आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन महा VBI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसको कंट्रोल करना पड़ता है पूरी देश में, हर कंट्री में, ठीक है। जैसे हो गया फॉर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, एक्सेट्रा, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, ठीक है। ये सब अपना फैक्ट्रीज कहाँ रख ले, कंट्रीज में रख ले, रखा हुआ है एक कंट्रीज में, पूरी दुनिया में वो वहीं से मैनेज करती है, ठीक है। और ये लेबर वो चीप रॉ मटेरियल्स रखती है और बहुत सारे चीप अदर रिसोर्सेस रखती है, ठीक है। और ये क्या करती है, प्रोडक्शन को कॉस्ट करने, कम करने का और प्रॉफिट ज़्यादा कमाने का काम करती है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद एक ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, एक वाइट रिवॉल्यूशन भी होता है, इसको भी देख लेना क्या होता है वाइट रिवॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइट रिवॉल्यूशन, इसको भी एक बार देख लेना आप होगी एक नज़र, ठीक है। चलिए, फॉर मोर फूड प्रोडक्शन इन इंडिया एफर्ट्स वेयर मेड टू अडॉप्ट इम्प्रूव्ड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। देखो इंडिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसको हरित क्रांति बोलते हैं। ये रिवॉल्यूशन अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को मीन्स ऑफ एरीगेशन कम्प्लीट करने के लिए किया गया था। इसमें क्रॉप्स का जो है अपना जो क्या बोलते हैं इसको, है ना, क्वालिटी को इंक्रीज करने का काम किया गया था, ठीक है। दिस इज़ नोन एज हरित क्रांति, या तो हरित लिखा गया, हरित होगा, हरित क्रांति, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए, अब टू फूड कैश एंड फाइबर क्रॉप्स का नाम देना है। देखो फूड क्रॉप्स हो गया पैडी वीट, कैश क्रॉप टोबैको स्पाइसेस, और फाइबर क्रॉप हो गया कॉटन जूट, ठीक है। चलिए, राइट द नेम्स ऑफ रेन फेड क्रॉप्स ऑफ ग्रोन इन इंडिया। तो रेन फेड क्रॉप्स आपका यहाँ पर सारा दिया गया है, मेज, ज्वार होगा, बाजरा है ना, अरहर, यहाँ पर अरहर लिख लो, ठीक है, मूंग, उड़द, ठीक है, कॉटन, सीसम, जूट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए, हाउ डज क्रॉप रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग की बुक में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्रॉप रोटेशन जो है सॉइल कंजर्वेशन में क्या कैसे मदद करती है। फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस्ड इन द सॉइल बाय कंटिन्यूसिंग ग्लो ऑफ हीट, कॉटन, मेज, पोटैटो, एक्सेट्रा। इट कैन बी ऑब्टेंड अगेन बाय द कल्टिवेशन ऑफ ऑयलसीड पल्स प्लांट, दिस लीड्स टू फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसके कारण से नाइट्रोजन का ट्रीट बहुत अच्छा से होता है, जिसके सॉइल कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्रॉप अगर रोटेट होते रहा तो सॉइल कंजर्व बहुत ईजिली होता है, ठीक है। चलिए, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया हैव रिवर डेल्टाज डेवलप्ड, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द सॉइल। वैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बाकी हैं, एक बार चलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक चीज़ देखते हैं। चलिए, पाँच से चार क्वेश्चंस अभी और हैं, आराम से पढ़ना, ठीक है।
स्पेशलिटी ऑफ द सॉइल। देखो इंडिया का जो पार्ट है रिवर डेटा का वो कैसे डेवलप्ड हुआ है, ठीक है, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी और इसका स्पेशलिटी क्या है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है फॉर्म्ड होता है डेल्टा से महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। एलिमेंट्स सच एज पोटेश, फॉस्फोरस एंड लाइम प्रिवेल इन द सॉइल। तो ये सब सॉइल में प्रिवेल होता है, फॉस्फोरस हो गया, लाइम स्टोन हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ ईच इज कंडीशन सुटेबल फॉर क्रॉप्स, शुगर केन जैसा सुटेबल क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं, मीज भी पल्सेस भी बहुत सारे ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स डिग्रेडेशन। तो रिसोर्स डिग्रेडेशन का एक एक्सप्लेन करना है, तो इसको भी देख लेना है। यहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है ना साइंस और टेक्नोलॉजी की, यहाँ पर सिर्फ यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का डेवलपमेंट ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिसोर्स एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देन सो मच फूड ग्रेन्स वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड वुमेन शुड डाई ऑफ हंगर। सिमिलरली ऑन द बेस लेयर ऑफ काजिक इन ऑल रीजन्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी कॉमन मेटल ऑफ नॉन मेटल कैन बी मेड ऑफ एक्सेलेंट अपीयरेंस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है सिंपल ये कि रिसोर्स डिग्रेडेशन यानी कि हमारी रिसोर्स को कम होने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, आपको एक बार एक्सप्लेन करना है। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता, नो डेवलपमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर रिसोर्स डिग्रेडेशन में बोल रहा है तो आप लोग को सिंपली लिखना है हम लोग बिना है ना सो मच फूड ग्रेन्स अगर नहीं डेवलप्ड हो पाएगी तो ह्यूमंस जो हैं मर जाएंगे भूखमरी से, ठीक है। उसी के जैसा हमारी जो बेस लेयर होती है सारी रीजन्स की वो हर ऑब्जेक्ट्स कॉमन मेटल और नॉन कॉमन मेटल पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को जवाब एकदम एक्सलेंट तरीके से देना क्योंकि ये बहुत महाविवियाई क्वेश्चन है बोर्ड्स की तरफ से, ठीक है। बोर्ड में बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चंस को पेश किया जाता है हर अलग अलग थोड़ी सी, ठीक है। अब यूटिलिटी में बात करते हैं, राइट द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स को कंजर्वेशन में यूटिलिटी क्या है, हम लोग कैसे रिसोर्स कंजर्वेशन को कंजर्व कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले रिसोर्स इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई भी नेशन का रिसोर्स बहुत मायने रखती है, ओके। रिसोर्स कंजर्वेशन हर नेशन के लिए अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। तो द मोर द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज द फास्टर द कंट्रीज डेवलपमेंट। जितना जल्दी यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जो होगा वो ज़्यादा होगा तो उसका डेवलपमेंट जो है उस कंट्री का बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए दैट्स वाई यूज़ द रिसोर्सेज बट कीपिंग इन व्यू द एनवायरनमेंट एंड थिंकिंग दैट देयर इज़ सम लेफ्ट इन द फ्यूचर यूजर। तो हम लोग को उतना ही यूज़ करना चाहिए आज के दिन में रिसोर्सेज को जितना फ्यूचर में भी हम लोग इसको यूज कर पाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है, देखो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर चार सीट होते हैं, ठीक है, लोकसभा में चार सीट उनको कमाना पड़ता है, ठीक है, हर स्टेट में, ठीक है। 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स होना चाहिए या फिर चार मोर स्टेट्स में उनका इलेक्शन में जीतना होना ज़रूरी है, ठीक है। और इट इज़ नेसेसरी टू विन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा आल्सो, है ना। उसके बाद 2% सीट इन द लोकसभा, दैट इज़ 11 सीट्स विच शुड बी एटलीस्ट 3 स्टेट्स। और 3 स्टेट्स में लगभग 11 सीट्स उनको चाहिए ही चाहिए तब उनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी गिना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। तो कुछ यहाँ पर 8 पॉलिटिकल पार्टी हैं। सबसे पहला है INC जिसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी BJP और नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी BSP जिसको बोलते हैं, फिर नेशनल पीपल्स पार्टी, ये सब जो है हमारे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं इंडिया के, ठीक है। चलिए तो इतने सारे जो आपके हमने करवा दिया है ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। 25 हमने करवाए, 24 से 25 क्वेश्चन, ठीक है, करवा दिया है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसका इससे आगे आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को बहुत अच्छे से बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा इसका नोट्स भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलती है, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम अच्छी सी लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश में। हम लोग हर रोज़ रहते हैं, हर रोज़ एक नोट्स की न्यू तैयारी के साथ हम लोग जुटे हुए रहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।